अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश। ठीक है, तो फिर हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, जिसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा स्टोरी का पार्ट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जिसमें हमने कल देखा था कि जो रॉबर्ट और जूली था, वो दोनों अपने खेल में बहुत बिजी थे। ठीक है, और वो दोनों अपनी मम्मी को ढूंढ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि आज आगे क्या होता है। फिर रॉबर्ट ने जूली से पूछा था कि मम्मी कहाँ है। ठीक है, फिर जूली रिप्लाई देती है, शी क्लीन सम कपबोर्ड्स डाउन स्टेयर वाय। फिर जूली बोलती है, मम्मी सीढ़ियों के नीचे कुछ कपबोर्ड साफ कर रही है, क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। फिर रॉबर्ट बोलता है, वेल शी वुड नॉट गेस द टाइम देन। फिर उसके बाद रॉबर्ट बोलता है जूली से, फिर तो मम्मी को टाइम के बारे में मालूम नहीं होगा। नरेटर, रॉबर्ट गोज टू द क्लॉक एंड टर्न्स द हैंड। ही हैज चेंज द टाइम फ्रॉम 9:15 टू 8:15। ठीक है, फिर जो नरेटर है वो बोलता है कि रॉबर्ट क्लॉक के पास जाता है। फिर जो क्लॉक की सीविया यानी कि हैंड से यहाँ के मतलब है घड़ी की सीविया, घड़ी की सीविया को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, कहाँ से 9:15 टू 8:15। ठीक है, यानी कि घड़ी पे कितना बज रहा था, 9:45 हो रहा था। फिर वो चेंज करके क्या कर देता है, 8:15 यानी कि 8:15। ठीक है, फिर बोलता है रॉबर्ट, देयर वी हैव गॉट अनदर आवर्स टू प्ले। फिर जब ये रॉबर्ट ने घड़ी को एक घंटा पीछे कर दिया, फिर और बोलता है कि हमें और एक घंटा मिल गया है अभी खेलने के लिए। जूली शॉक, ओ रॉबर्ट यू कांट डू दैट। फिर जूली थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलती है, रॉबर्ट तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। रॉबर्ट बोलता है फिर, जूली मदर इज नॉट वेयरिंग हर वॉच, शी विल कम एंड लुक एट दिस क्लॉक एंड थिंक इट इज राइट, देन वी विल हैव एक्स्ट्रा प्ले टाइम। फिर रॉबर्ट जूली से बोलता है, अरे कुछ नहीं, मम्मी ने अपना क्या घड़ी नहीं पहना हुआ है, तो फिर मम्मी सीधे आके यहाँ वॉल क्लॉक पे ही देखेगी और सोचेगी कि यहाँ पे ये जो टाइम बच रहा है वो सही है। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम फिर से मिल जाएगा खेलने के लिए। नरेटर, जूली इज क्वाइट, शी वांट्स द एक्स्ट्रा आवर्स, शी थिंक मदर वुड नेवर गेस। फिर नरेटर बोलता है कि जो जूली था वो चुप हो जाती है, क्यों, क्योंकि जूली को भी कुछ एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए था खेलने के लिए। ठीक है, और ये जो जूली है वो सोचती है कि शायद मम्मी को पता ना चले कि हमारा टाइम कितना बच रहा है। ठीक है, 15 मिनट लेटर, फिर 15 मिनट के बाद मदर कॉलिंग आउट। फिर जो ये जूली और रॉबर्ट की मम्मी है वो उन दोनों को बुलाने लगती है, इट्स गेटिंग नियर योर बेड टाइम, यू टू व्हाट डज द क्लॉक से। तो फिर मम्मी आके बोलती है, आप लोगों के सोने का टाइम हो रहा है और ये जो घड़ी है वो उसमें कितना बच रहा है। ठीक है, मम्मी आके ये पूछती है। तो फिर रॉबर्ट लुकिंग एट द क्लॉक, 8:30। तो फिर रॉबर्ट क्लॉक की तरफ देखता है और फिर बोलता है, फिर ये जो रॉबर्ट है वो बोलता है, क्या 8:30 यानी कि 8:30 बच रहा है। मदर, रियली आई थिंक इट्स लेटर देन दैट। तो फिर मम्मी बोलते हैं, सच्ची में मुझे तो लगा कि बहुत देर हो गया था। ठीक है, पॉपिंग हर हैंड हेड इन एट द डोर, हाउ स्ट्रेंजर हैज इट स्टॉप। तो फिर मम्मी थोड़ी सी अपनी सिर को सहलाते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि ये रुक गया है। ठीक है, तो फिर रॉबर्ट बोलते हैं, नो इट हैज नॉट। तो फिर रॉबर्ट जो रिप्लाई देते हैं, नहीं ये रुका नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, फिर इससे आगे वाली स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे टू यू ऑल, थैंक यू।